क्या हो गया टीवी वालों को, ये हॉरर शोज ना आजकल हंसाते हैं और कॉमेडी शोज डराते हैं। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, पिछले हफ्ते का एपिसोड एक चुड़ैल पर थी जो करवा चौथ का व्रत रखती है क्या? और अगले ही दिन अपने ही पति को मार देती है। हटाने हटाने कोई फिल्म लगाने। हाँ सर मेरा ऑफिशियल फोन। अरे फोन, अरे सर फोन कहाँ है मेरा? ये है सर। हाँ हेलो, गोल चौकी पुलिस स्टेशन, राठौड़ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ ये लगा, ये लगा, ये अच्छी फिल्म है। हाँ सर आवाज बढ़ाता हूँ। हाँ वही नंबर है। हेलो, अरे कौन है? हेलो, अरे फोन, अरे ब्लैंक कॉल नहीं करना चाहिए, फोन करो तो बात करनी चाहिए। ये हीरो नाश्ता अच्छा है? हाँ सर। हेलो हेलो, अरे क्या हुआ सर? हेलो हेलो, भाग ले, ये नंबर ट्रेस कर। ये कैसा आदमी है, एक घंटे में 45 मिस्ड कॉल, पागल है क्या? सर मोबाइल टावर से हमें जो लोकेशन ट्रेस हुई है वो इसी बंगले की, कॉल यहीं से आया सर। चलो कोई है? कोई है? बात ले। हेलो हेलो हेलो, मैं तेरे घर में हूं बोलना। हेलो, अरे मैंने कहा बात करो। हेलो हेलो साहब, आवाज यहां से आ रही है। हेलो तो मर चुकी, तो फिर फोन कौन कर रहा था? मैंने नहीं मारा इसे। कौन हो तुम? मैंने नहीं मारा इसे, मैंने नहीं मारा इसे। तो फिर किसने मारा है? मैंने नहीं मारा इसे, मैंने नहीं मारा। मैंने पूछा फिर किसने मारा है? इस घर ने मारा है।
मैं समझा नहीं, घर नहीं मारा मतलब क्या? घर कैसे किसी को मार सकता है? सर सचमुच उस घर में कुछ है सर. कैन आई यूज योर लैपटॉप? ऑफ कोर्स बिली. सर आप खुद ही देख लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद आप ही डिसाइड कीजिए कि आप मेरे जीजाजी का केस लड़ेंगे या नहीं. That's a night vision camera. हाँ, ये मेरे ब्रदर इन लॉ संजय ने फिट किया था क्योंकि ये घर रात को जिंदा हो जाता है और ये फुटेज ठीक रात 3 बजे की है. सर ये चेयर देखिए. सर ऐसे पूरे 15 फुटेज, मेरा मतलब ऐसे पूरे 15 टेप है मेरे पास इस घर में हो रही घटनाओं को लेकर. अच्छी, तो बेसिकली तुम ये कह रहे हो मुझसे कि मालती की हत्या तुम्हारे जीजा जी संजय ने नहीं की, ये आत्मा कोई है घर में जिसने हत्या की है? सर वो आत्मा है, शक्ति है, शैतान, ये तो वो संजय ही बता सकते हैं आपको क्योंकि सर उसने फेस टू फेस देखा है, उसे झेला है. ऐसे वो राकेड़ी जब से यहाँ पे आया है बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है, कोई भी पास जाए हमला करता है. अच्छा आओ देखते. अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आने दूंगा मैं, अंदर नहीं आना. मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस घर ने भेजा ना, उस घर ने भेजा ना तुम्हें मुझे मारने के लिए. हाँ उस घर ने भेजा ना. अंदर नहीं आना. हमें उस घर के बारे में तुमसे बात करनी है. उस घर की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ केडी सर. ये रमोना है, इसकी बीवी, और ये इनका बेटा. सर मेरे पति एक मूवी राइटर डायरेक्टर थे. कई सालों से उनकी कोई मूवी नहीं चल रही थी. पैसे की तंगी, लड़ाइयां, हमारी जिंदगी एक मंझधार पे आके खड़ी हो गई थी. मैरिज काउंसलर ने कहा अगर शादी बचानी है तो एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी. मालती की पहचान की एक औरत मिसेस सेतना के कहने पे हमने यहाँ घर लिया. शहर से दूर, सब परेशानियों से दूर, रोज विला. लेकिन किसे पता था हम परेशानियों से दूर नहीं, परेशानियों के पास आ रहे मौत के मुंह में. I hate it. Too bad. अब यही तुम्हारा घर है. Come on, just tell her to stop cribbing, यार. टिया, पापा की बात का बुरा नहीं मानते. तुम्हें पता है ना उनको काम का कितना टेंशन है. मिस्टर मिश्रा कहाँ हैं आप? हाँ हम लोग पहुंच गए हैं. बंगले के सारे कमरों की चाबियां आपके पास है ना? अरे तो आइए ना. चलो अब स्माइल करो. अब से यही हमारा घर है, ठीक है? मालती ये सामान अंदर लेके जाओ और गाड़ी में और सामान है उसे भी ले आना. जी चलो. ये घर कितना गंदा है, ऐसा लगता है जैसे पहले रहने वाले ने कभी साफ सफाई ना कराई हो. अब यहाँ कोई आएगा तो साफ करेगा ना मैम? यहाँ 2 साल से कोई नहीं आया.
शहर से दूर जो है, लेकिन आपके लिए तो अच्छा है ना साहब, आप ठहरे राइटर डायरेक्टर। अरे भाई, इतने सुकून और शांति की जगह मिलेगी कहाँ, आप तो और क्रिएशन कर सकते हैं। मैं चलता हूं। ये कैसे टूटा? हवा से, हवा से। मैं चलता हूं, कुछ काम होगा तो फोन कीजिएगा। पर हवा तो चली नहीं। तुम तो वही प्लम्बर हो ना जो मुझे यहाँ पर मिले थे उस दिन? जी साहब, आपने बोला था ना घर के सारे लीकिंग नलके ठीक करने को, तो आप लोग को आते देखा तो सोचा। नहीं, आज नहीं, कल सुबह आना, ठीक है? नाम क्या है तुम्हारा? जोगिंदर, लेकिन प्यार से जोगी। कल आना। क्या कर रही हो यहाँ पे? और ये बॉल किसका है? जाओ जाओ, मतलब इस घर से जाओ। गेट आउट। फैंटास्टिक, इस जाओ को देखकर लगता है जैसे किसी इंसान ने लिखा हो ये। मिस्टर संजय, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस? ये आपने लिखा है या फिर आपकी बीवी ने या फिर आपके बच्चे ने? बोले जी, इनको पूछने का कोई लाभ नहीं। मैं आपको स्मरण करा दूं कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने इस राइटिंग की जांच की है और उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि इन्होंने या इनके घर वालों में से किसी ने ये नहीं लिखा। ओ, तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जाओ किसी आत्मा, भूत या डायन ने लिखा है? Your Honor, I'm sorry to say, लेकिन Mr. Sanjay Puri और उनकी फैमिली यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मालती जी का खून उन्होंने नहीं किया। हाँ, लेकिन उनके घर में बसी हुई एक आत्मा ने किया है। थोड़ा मुश्किल है इस पर विश्वास करना, लेकिन असल में वहां पर क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। उस रात संजय जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए पानी पीने के लिए रात के 3 बजे वो नीचे आए।
बेसमेंट का खुला दरवाजा देख और नीचे आ रही आहट को सुनकर संजय को लगा कि घर में कोई चोर घुस आया, इसीलिए उसने वहां पड़ा हुआ चाकू उठाया। तुम इतनी रात गए, तुम यहां क्या कर रही हो? हाँ, ये सब ये गहने, मेरा अवार्ड, तुम ये सब चुरा रही थी? तुम इस घर में चोरी कर रही हो मालती? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। और मरने से पहले मालती ने अपने फोन से गोलचौकी पुलिस स्टेशन में फोन किया 50 बार फोन किया, जिसमें से 30-40 बार मरने से पहले और बाकी का मरने के बाद भी वो फोन करती रही पुलिस स्टेशन। मिस्टर पाठक, ये भी तो हो सकता है कि फोन ऑटोमेटिकली ऑटो रीडायल पे चला गया। लेट मी एक्सप्लेन टू यू पुनीत जी, ऑटो रीडायल पे फोन तब होता है जब सामने वाला फोन नहीं उठाता, किंतु इंस्पेक्टर राठौर हर कॉल उठाते रहे, फिर कृपया समझाइए मुझे ये ऑटो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब संजय जी ने मालती को चोरी करते हुए देखा तो उन्होंने उसको चाकू नहीं मारा? जी नहीं। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, एग्जिबिट 1A, मर्डर वेपन, जिसपे किसी और के नहीं बल्कि संजय जी की उंगलियों के निशान। हाँ, स्पष्ट बात है कि पाठक, इस हादसे को लेकर आपका मुवक्किल क्या कहता है? कुछ है उस घर में, कुछ है। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल की मानसिक स्थिति, इनकी दिमागी हालत थोड़ी सी नाजुक है, इसलिए मिस्टर पाठक, इन्हें बोलने दीजिए प्लीज। हाँ तो मिस्टर संजय, क्या हुआ था उस रात? पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस रात उस तहखाने में आपके और मालती के अलावा और कोई नहीं था। है सर, 100% है। 15 दिनों से उस घर में वो रूह, वो आत्मा है जिसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। कुछ है उस घर में, कुछ है जो रात को अपने निशान छोड़ता है। और यही बात साबित करने के लिए मैंने अपने घर में हिडन कैमरास भी लगाए हैं। और उस रात हिडन कैमरास में क्या रिकॉर्ड हुआ, ये देखने के लिए मैं उस रात 3 बजे उठा था सर। जैसे किसी शक्ति ने मेरा चाकू वाला हाथ पकड़ा और आधे सेकंड में उस रूह ने मुझसे मालती पर हमला करवाया और पलक झपकते गायब। कौन सर, कौन? ये वही रूह है जो उस घर में रहती है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मिस्टर पाठक, व्हाट काइंड ऑफ डिफेंस इज दिस? यहां ऐसा तो नहीं कि आपका मुवक्किल कह रहा है कि चाकू किसी और ने मारा है? वो तो कह रहा है कि चाकू उसी ने मारा है, तो फिर जी और यो ऑनर, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि चाकू इनके हाथों में था, लेकिन चाकू पर जो कंट्रोल था वो इनका नहीं था। योर ऑनर, किसी शक्ति ने इनकी किसने मिस्टर पाठक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खून इन्हीं के हाथों हुआ है।
पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपने ये केस किस बिना पर लिया है। मेरे पति को डॉक्टर की जरूरत है, उनका दिमागी संतुलन सही नहीं है, उस घर में ऐसा कुछ है जो। सॉरी मैम, ये फैसला हम नहीं सिर्फ अदालत ले सकती। क्या नाम है तुम्हारा? सनी। अरे वाह, तुमने अपनी फोटो बनाई है, वेरी नाइस। मेरा भी एक दोस्त था सनी, बहुत पहले। ये क्या तुम्हारी फैमिली? पापा, मम्मी, डॉगी हॉलिडे पे गए थे? जाने वाले थे लेकिन अब। कोई बात नहीं, हो सकता है बहुत जल्द तुम लोग हॉलिडे पे चले जाओ। और क्या बनाया है? ये कौन है? मालती? और ये पापा? नहीं सनी, सनी बोलिए मिस्टर पाठक। बोलिए मिस्टर पाठक, प्लीज। मिस्टर पाठक, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऐसा क्या आपने देखा इस केस में जो कहता है कि आपका मुवक्किल बेगुनाह है? योर ऑनर, आपकी मेज पर जो इन्वेस्टिगेशन फाइल रखी हुई है उसमें मालती को लेकर पूरी जानकारी है। उस फाइल में यह भी लिखा हुआ है कि मालती पिछले 9 वर्षों से पूरी इसके यहाँ नौकरी करती थी। बस इतना कि मिस मालती मिस्टर संजय के यहाँ पिछले 9 साल से काम कर रही है। किंतु ये नहीं लिखा हुआ है योर ऑनर कि 9 सालों में मालती इनके घर की सदस्य जैसी बन गई थी। ये पूरा विश्वास करते थे मालती। समालती के सामने पूरा घर खुला था, गहने पैसे, उसने आज तक 1 रुपए तक को नहीं उठाया। समालती तो बहुत ही अच्छी और ईमानदार औरत थी सर। वो तो ये तक कहती थी जब तक टिया की शादी नहीं हो जाती तब तक वो हमारे साथ रहेगी। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि इनके घर की सेविका जिन पर ये इतना विश्वास करती थी, जिसने कभी इनको धोखा नहीं दिया 9 सालों में, वो अचानक योर ऑनर ये 1.5 लाख के गहने और पूरी साहब की ट्रॉफी चुरा कर क्यों भागेगी? हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी। कैसी कैसी मजबूरी? अगर उसे पैसे चाहिए होते तो वो रमोना जी को बोलती, रमोना जी उसे दे देती पैसे। कैसे मजबूरी योर ऑनर? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। तो बेसिकली मालती तहखाने में आधी रात को सफाई करने गई थी। नहीं नहीं, खुदाई ही कर, मैं समझाता हूँ। योर ऑनर, मैंने अपनी सहायिका को वहां घटनास्थल पे भेजा था परीक्षण करने, तो जब हम यहां पे आए तो लाश वहां पे थी। संजय इधर था और वो गहनों से भरा बैग वहां पे। इसमें तो सिर्फ पुराने कपड़े हैं, इसमें कोई क्या ढूंढेगा? अनलेस मालती इसे मूव करने की कोशिश कर रही थी। एक मिनट आएंगे प्लीज। मिस्टर पाठक का कहना सही है, वहां पे हमें ये कुदाल मिला जिसमें मालती की उंगलियों के निशान थे। उस जगह और खोदा आपने? जी नहीं, इनफैक्ट हमने वहां पे और भी छानबीन की लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। आई सी। एक और बात योर ऑनर, ये गहने जो मालती के मृत शरीर के पास से प्राप्त हुए इन पर कहीं मालती की उंगलियों के निशान प्राप्त नहीं हुए योर ऑनर, जिसका ये अर्थ होता है कि ये गहने मालती ने नहीं किसी और ने चुराए थे।
और ये बात आपको कैसे पता? अब स्पष्ट बात है गुनीत जी, हर स्थान पर मालतियों के उंगलियों के निशान पाए गए, तहखाने में, इस कुदाल पर। तो अगर गहने मालती ने चुराए होते तो गहनों पर भी उसकी उंगलियों के निशान होते जो नहीं थे। ग्लव्स मिस्टर पाठक, ग्लव्स। तो आपको नहीं लगता गुनीत जी कि अगर मालती ने ग्लव्स पहने होते, दस्ताने पहने होते, तो जहां जहां उनकी उंगलियों के निशान प्राप्त हुए हैं वहां पर भी उनकी उंगलियों के निशान नहीं होते क्योंकि उन्होंने दस्ताने पहने थे? तो फिर कोई तीसरा है जिसने ये गहने चोरी किए और फिर मालती को फंसा रहा था। बिल्कुल सही योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अदालत को कुछ दिखाना चाहता हूं। ये पुरी साहब के सुपुत्र सनी द्वारा बनाया गया एक चित्र है जिसमें सनी ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि मालती पर कोई व्यक्ति चाकू से हमला कर रहा है। देखिए, ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। कमाल करते हैं आप मिस्टर पाठक, एक बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग को। बच्चे हमेशा सच्चे होते हैं गुनीत जी। योर ऑनर, इस चित्र में दिख रहा है कि इस व्यक्ति के एक हाथ में चाकू है और दूसरे हाथ में बैसाखी। योर ऑनर, मेरी सहायिका को उस तहखाने से यह भी प्राप्त हुआ। योर ऑनर, यह क्या है ये समझाने के लिए मैं पुरी साहब के एस्टेट एजेंट मिश्रा जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिश्रा जी के हाथों में भी वैसी ही बैसाखी है जैसा चित्र सनी ने बनाया है। मैं देख रहा हूं मिश्रा जी कि आपकी बैसाखी तो पुरानी है किंतु उसके नीचे लगा हुआ जो रबर है वो बिल्कुल नया है, जिसका ये अर्थ निकलता है कि पुराना रबर संभवतः ये कहीं खो गया, गिर गया, तत्पश्चात आपने नया रबर लगवाया अपनी बैसाखी में। जरा दिखाइए अपनी बैसाखी, दिखाइए। मिस्टर पाठक, क्या हुआ? क्या आप भी कानून की तरह अंधे हो गए हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इस कत्ल के राज के पीछे कोई इंसान नहीं है, कोई रूह है, आत्मा है, कोई हैवान है इस कत्ल के पीछे। सर देखिए पुरी साहब, मेरे फिल्माए हुए जो टेप्स हैं वो आप यहाँ अदालत में क्यों नहीं लाते? अगर यहाँ पर लाएंगे तो जज साहब उसे देख पाएंगे, फिर वो डिसीजन ले पाएंगे। कैसे टेप्स? योर ऑनर, इनकी सीसीटीवी कैमरा के टेप्स। देखिए पुरी साहब, वो उन टेप्स का अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है। और मिस्टर पाठक, देखिए उन टेप्स का निरीक्षण यहाँ कीजिए ना, अदालत में, जज साहब के सामने। प्लीज मेरा यकीन मानिए, उस घर में आत्मा है, एक रूह है, उसी ने ये सब किया है। सर यहाँ जज साहब के सामने लाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्लीज योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति है। सर ये हमारे वहां आने के बाद की तीसरी रात का टेप है। सर सर ध्यान से उस घड़ी की तरफ देखिए सर, वो दीवार पर जो घड़ी है वहां देखिए सर। ये चौथी रात का टेप है सर, फोर्थ नाइट। यहां पर मैंने कैमरा अपने बच्चों के रूम में लगाया है क्योंकि सनी हमेशा कहा करता था कि उसके रूम में कोई आता है, इसलिए सर। ये टेप मालती के मरने के एक रात पहले का टेप है सर, ये वाला टेप।
ये सब ये बॉल जिस तरफ जा रही है आप देख रहे हैं ना, उस तरफ मेरे बेटी सनी का कमरा सर। Silence in the court. ये सब देखने के बाद क्या आप अभी ये कहेंगे कि ये सब एक इंसान का किया हुआ है? मिस्टर पाठक, मिस गेरा, प्लीज अप्रोच द बेंच। मिस्टर पाठक, मिस गेरा, अपने 35 साल के करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा है। आंखों को यकीन होता है पर दिमाग को नहीं। मिस्टर पाठक, ये सब कैसे? How is it possible? जज साहब, संजय पुरी जी एक डायरेक्टर है और उन्होंने बहुत सारी हॉरर फिल्म्स भी बनाई हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। अब ये कलाकारी कहीं तो दिखेगी ना। नहीं, एक मिनट, आप पुरी साहब के व्यवसाय को इस मामले से क्यों आप जोड़ रही हैं? क्योंकि मुझे यही लगता है मिस्टर पाठक कि एक प्रीमेडिटेटेड मर्डर है। इन्होंने बहुत ही होशियारी के साथ ये पूरा प्लान बनाया है जज साहब। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इन्होंने बहुत सोच समझ कर ये हॉन्टिंग्स के बेसिस बनाए ताकि सबको ये लगे कि खुद इन्होंने नहीं, किसी आत्मा ने की। बहुत ही सोची समझी साजिश। रिडिकुलस है। चलिए चलिए, एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि संजय जी ने ऐसा किया। क्यों क्यों करेंगे? कोई त्याग के पीछे कोई कारण होगा। तो आप बताइए क्या कारण? कारण तो नहीं पता, पर आई डोंट नो, हो सकता है दोनों के बीच कोई अफेयर हो। योर ऑनर, अब ये प्रोसिक्यूटर साहिबा मनगढ़ंत कहानी बना रहे। कहानी तो नहीं मिस्टर पाठक, लेकिन हाँ, इस कहानी का सिर्फ एक ही एंड मुझे नजर आ रहा है, जो कि है आपकी हार। जो कि आप चाहती हैं, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। मिस्टर पाठक, मिस गेरा, इस तरह बहस करने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक आप दोनों को एक बार उस घर में जाना पड़ेगा। जज साहब, मैं वहां पर अपनी पूरी टीम के साथ में गई थी और वहां हमें कुछ भी नहीं मिला और ना ही कुछ मिलने वाला है। रात को आपको उस घर में रात को रहना होगा। योर ऑनर, इनके जैसा आप ठीक समझे। इस केस की अगली सुनवाई परसों सुबह 11 बजे होगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न। जहाँ इस वक्त ये घर खड़ा है, आज से 10 साल पहले यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था। ये सुनकर मुझे बिल्कुल अचंभा नहीं हुआ था। Fantastic. तो फिर मिस्टर संजय पुरी को भी आइडिया कब्रिस्तान से ही मिला होगा। चल के देखिए। जब से मर्डर हुआ है फैमिली पास के होटल में शिफ्ट हो गई। आई थिंक दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कुछ भी मिलने वाला है। वैसे ये हॉन्टिंग का फ्रीक शो कितने बजे शुरू होने वाला है? तीन बजे। तो ये कैसे खुला? हवा। ऑफ कोर्स, आई न्यू इट। एक सेकंड। हेलो। अच्छा,
ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ मुझे जाना पड़ेगा, एक अर्जेंट काम है। ओके फाइन, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और वैसे भी मिस्टर पाठक है ना, जब प्लीज। कौन है वहां? मिस्टर पाठक, इज दिस सम काइंड ऑफ जोक? मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक, कोई है? जी, बुरे जी, क्या 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 हुआ, क्या हुआ? छिपकली। What? वो क्लॉक के पीछे छिपकली है। Right. मैंने सोचा आप छोड़िए, मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है। My God, you know it was so scary. क्या हुआ? कुछ नहीं, 3 घंटे हो गए हैं पाठक जी, लेकिन अभी तक शो तो शुरू नहीं हुआ। अंगुली जी, लगता है ये जो भी भूत है, ये पुलिस से नहीं डरता लेकिन वकीलों से डरता है। कोर्ट कचहरी चाहे कोई होगा, उसके पुराने जीवन का कोई केस वेस पेंडिंग, वो आए तो उठा देना मुझे। जी गुनी जी, क्या है? Actually, क्या है ना, बहुत टाइम से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, if you don't mind। अरे नहीं, पूछिए पूछिए। ये केडी का मतलब क्या? गुनी जी, मेरा नाम है केडी पाठक। That I know, लेकिन फुल फॉर्म क्या? इसका? केडी। अच्छा, केडी का फुल फॉर्म वो मैं नहीं बताता किसी को। क्यों? बस ऐसे, पर्सनल रीजंस। एक बार आवाज़ें, ये लाइट्स को क्या हो रहा है? मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक, आई डोंट थिंक आपको अंदर जाना चाहिए। गुनी जी, अंदर नहीं जाएंगे तो सत्य बाहर नहीं आएगा। आइए, आप भी साथ में आइए। मिस्टर पाठक, आर यू ओके? मिस्टर पाठक, आप रुकिए रुकिए, मैं आता हूं। रुको जरा, मैं आ रहा हूं।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.